हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी कोई डाउट्स नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको रोज़ कम से कम 1 आवर टेंस तो पढ़ना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यकरण और आप देख रहे हैं आर्य इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हम किसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान। अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे है प्लस टाइम आ जाए, जैसे आप देख सकते हैं रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम, जैसे कि वह 1 घंटे से बात कर रही है, तुम 1 घंटे से काम कर रही है, वह सुबह से बात कर रही है, हम 1 घंटे से चाय बना रहे हैं, हम सोमवार से वहाँ जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं भी आ रहे हैं और टाइम भी आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होगा प्लस टाइम होगा, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप देखेंगे इसके रूल्स क्या होते हैं। इसके रूल्स ये होते हैं कि जैसे कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर के साथ हमें लगाना हैज़ बिन, क्या लगाना हैज़ बिन, और आई, वी, दे, यू है, प्लूरल के साथ हमें लगाना हैव बिन। दूसरी बात, हमें करना क्या है कि इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना है और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस एंड फॉर का यूज़ करना है। मैंने एक वीडियो बनाई होगी, आप देख सकते हैं उसको, अगर आपको सिंस एंड फॉर में डाउट्स है, कि सिंस एंड फॉर हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे सेंटेंस में टाइम आता है। सिंस आपको तब लगाना जब आपको पता लग जाए कि आपका काम शुरू कब हुआ है, और फॉर कब लगाना जब आपको पता लग कि आपको काम करने में कितना समय लगा है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ कि जब भी हम एक टेंस क्लियर करेंगे, हर एक टेंस में 5 तरह के सेंटेंस पढ़ने होते हैं। तो हमारे इसमें पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव, जिसमें हमें पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हैव बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ऐसे एक सेंटेंस हम देख सकते हैं, तुम सुबह से काम कर रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है तुम का, यू। अब यू प्लूरल है तो हम यहाँ क्या लगेंगे, हैव और बीन। काम करने का वर्किंग, आईएनजी लगाना है उसे, और सुबह से की स्पेलिंग होती है सुबह से स्टार्ट, तो सिंस लग गया यहाँ पर। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, देख सकते हैं आप, जैसे कि अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या करना है हमें, कि नेगेटिव में हमें सिर्फ नॉट का ऐड करना है, और नॉट हमें लगाना कहाँ पे, आप इसे देख सकते हैं, पहले हमें हैज़ हैव लगाना है, फिर नॉट, उसके बाद बीन लगाना है। एक सेंटेंस में बनाता फिर आपको समझ में आ जाएगा, राम सुबह से काम नहीं कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम सिंगुलर तो हम यहाँ लगेंगे हैज़, अब यहाँ नॉट, फिर आएगा बीन। काम करने का होता है वर्क, वर्किंग, सुबह से के लिए सिंस लगेगा मॉर्निंग, देख सकते हैं आप, बाकी के आप खुद बनाएंगे। अब हमारा अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक क्या से स्टार्ट होगा, तो क्या के लिए पहले हमें हैज़ और हैव को लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। तो क्या आप 1 घंटे से किताब लिख रहे हो, तो यहाँ होगा क्या के लिए, हम यहाँ हैव बाहर करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, अब यहाँ लगा देंगे हम बीन। लिखना का होता है राइट, तो हो जाएगा हमारा राइटिंग, अ बुक, 1 घंटे से, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम लग रहा है काम करने में, तो यहाँ फॉर लग जाएगा क्योंकि ड्यूरेशन है फॉर 1 आवर। शर्मा, बाकी के सेंटेंस आप खुद बनाएंगे। अब हम देखेंगे अगला जो सेंटेंस हमारा होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब नहीं भी आ जाएगा इसमें। तो नहीं करना क्या है आपको, कि पहले क्या के लिए आप तो हैज़ और हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर आपको बीन लगाना है, मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन लगाना है। एक सेंटेंस देखते हैं, क्या वह है खाना सुबह से, यहाँ से देख सकते हैं, क्या वह खाना सुबह से नहीं खा रही है, तो पहले हम यहाँ पे हैज़ लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सी है, हैज़ सी, अब यहाँ नॉट आ जाएगा, अब यहाँ लगेगा बीन। खाने का ईट तो हो जाएगा ईटिंग, सुबह से क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग,
और जो लास्ट का सेंटेंस हमारा है वो है इंट्रोगेटिव टू, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली। इसमें आएगा कब, कहाँ, कौन, कैसे, बीच में। तो पहले हम इसी केस पर, मतलब पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली लिखेंगे, उसके बाद हैज़ हैप सब्जेक्ट फिर बीन वर्फ की फर्स्ट टर्म प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। इससे वह एक घंटे से वहाँ क्या कर रहा है, तो क्या डब्ल्यू एच फैमिली, तो क्या केस फिलिंग वॉट। अब यह हैज़ हेल्पिंग, वो हैज़ लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सॉरी सी ही है। अब उसके बाद लगेगा बीन, काम करने का क्या कर रहा है, तो करना का डू तो डूइंग हो जाएगा, वहाँ कर रहा है तो देयर, एक घंटे से फॉर वन आवर। तो आप देख सकते हैं इन सेंटेंसेस को और आप सीख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाकी के सेंटेंस जो बचे आप उसे कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, मैं देखूंगा कौन सही बना रहा है कौन गलत बना रहे हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।